हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने कोल तक पूरा पढ़ लिया था, आज हमें पेट्रोलियम स्टार्ट करना है। तो पेट्रोलियम, सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम जो है वो भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है एंड इज डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड। ये तीन उसकी प्रॉपर्टीज हमने यहीं पर पढ़ ली है कि वो कैसा है। वो डार्क कलर्ड है, मतलब बहुत ही गहरा रंग है उसका। बहुत विस्कस है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा है, बहुत ही गाढ़ा है। और फाउल स्मेलिंग है, मतलब कि उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही गंदी है। फाउल स्मेलिंग लिक्विड, कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको हम कॉमनली क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। इसे क्रूड ऑयल के अलावा, पेट्रोलियम के अलावा हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, बिकॉज जो ये बनता है या फिर ये पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? रॉक फॉर्मेशंस, जो रॉक फॉर्मेशंस होती हैं अर्थ के अंदर, उनमें पाया जाता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक ऑयल। नेक्स्ट आता है अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम। सो अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो 500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक अर्थ के अंदर पाया जाता है। मॉडरेट डेप्थ हम इसे मानते हैं। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्पर्वियस रॉक्स, इम्पर्वियस एक तरीके की रॉक्स होती हैं, उनके लेयर के बीच में ये पाया जाता है पेट्रोलियम। इसे सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। क्या करते हैं हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? सॉल्ट वाटर को अंदर डाल देते हैं उसके। तो सॉल्ट वाटर जो है वो पेट्रोलियम से भारी है, तो सॉल्ट वाटर लाइटर होने के कारण, सॉरी जो पेट्रोलियम है वो लाइट होने के कारण ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है। तो पेट्रोलियम ऊपर आ गया, तो अब उसे हम इजिली एक्सट्रैक्ट या इजिली उसको ऊपर लाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इन टू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को साफ करना, उसे प्योर करना, उसे रिफाइन करना। यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं है कि हम पेट्रोलियम को रिफाइन कर रहे हैं, का ये मतलब है कि पेट्रोलियम को हम साफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पेट्रोलियम को उसके ऐसे प्रोडक्ट्स में तोड़ रहे हैं जिसका हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कोल में देखा था, हमने कोल को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको यूज किया था अलग अलग जगहों पे, और उसके ज्यादा बेनिफिट्स थे। सिमिलरली पेट्रोलियम को भी हम काफी सारी चीजों में, मतलब काफी एक पेट्रोलियम के, मतलब एक पेट्रोलियम से काफी सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका अलग अलग जगहों पे यूजेस हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जिससे हम उसके वेरियस यूजफुल फॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अभी हम आगे वो पॉइंट्स पढ़ते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उससे पहले आपके लिए एक नोट है कि जो पेट्रोलियम है उसे हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड और कभी कभी ब्लैक गोल्ड। लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। जो गोल्ड है वो क्या होता है? कमर्शियली वो बहुत महंगा होता है, बहुत ही, मतलब उसे बहुत ही रिच माना जाता है गोल्ड को। तो सिमिलरली पेट्रोलियम भी एक लिक्विड है और उसे लिक्विड के कंपैरिजन में गोल्ड से कंपेयर किया गया है कि वो गोल्ड की तरह है, अपने अपने उसमें वो गोल्ड की तरह है कि उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, कमर्शियली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस क्या हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो होता है वो बॉयलर्स जो होते हैं, बॉयलर्स में एज अ फ्यूल यूज होता है। जो बॉयलर्स होते हैं उनमें फ्यूल की तरह यूज होता है। नेक्स्ट डीजल, यूज टू रन जनरेटर्स एंड हैवी व्हीकल्स। डीजल में यूज होता है, और डीजल किस में यूज होता है? जनरेटर्स, मतलब डीजल को बनाने में यूज होता है पेट्रोलियम। और डीजल में कहाँ कहाँ यूज होता है? जनरेटर्स जो होते हैं बड़े बड़े उनको रन करने में, और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, लॉरीज होती हैं, इन सबको एक्सेस करने में, इन सबको रन करने में यूज आता है। केरोसिन का हम यूज पहले करते थे लालटेन्स वगैरह जलाने के लिए। जो केरोसिन की लालटेन होती है, केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, उसकी लालटेन जलती थी। और डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज आता है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो घरों में जो फ्यूल यूज होता है उसमें भी आजकल कुछ कुछ जगहों पे, जो थोड़े रूरल एरिया है वहां पे ज्यादातर इसका यूज होता है। नेक्स्ट गैसोलीन, पेट्रोल। गैसोलीन, पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, बाहर की कंट्रीज में गैसोलीन भी कहा जाता है इसे। तो मेनली यूज एज फ्यूल इन कार्स, स्कूटर्स एसेट्रा। ये एज अ फ्यूल यूज होता है गाड़ियों में, स्कूटर्स, मतलब जो थोड़े लाइट व्हीकल्स होते हैं, नॉट हैवी व्हीकल्स, जो थोड़े नॉर्मल टाइप के व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होता है, जैसे कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गई।
और इसके अलावा ये यूज तो हम सबको पता है, इसके अलावा ये ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है, ये भी हम सबको लगभग पता होना चाहिए ज्यादातर को, कि जो ड्राई क्लीनिंग होती है क्लोथ्स की वो भी पेट्रोल के मतलब पेट्रोल से होती है, उसमें भी पेट्रोल का यूज होता है। और एक लास्ट ये वाला पॉइंट है कि जो हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम होता है, यहाँ पे रिफाइंड का मतलब है एकदम प्योर फॉर्म, जो पेट्रोल की या पेट्रोलियम की जो एकदम प्योर फॉर्म होती है, पेट्रोल की मतलब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बना पेट्रोल, और उस पेट्रोल की हाईली रिफाइंड फॉर्म एरोप्लेन्स में भी एज अ फ्यूल यूज की जाती है। ठीक है, क्या कहने का मतलब मेरा, पेट्रोलियम से पहले पेट्रोल बनाया और फिर उस पेट्रोल की भी हाईली रिफाइंड फॉर्म जो है वो यूज होती है एज अ फ्यूल इन एरोप्लेन्स। फिफ्थ प्रोडक्ट इससे बनता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो होती है इसे पहले हम लिक्विफाई करते हैं और वो लिक्विफाई करने पे बन जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। और एलपीजी का यूज क्या होता है, इन अ डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में जो गैस जलती है उसमें जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो एलपीजी ही होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो गैस है हम उसे हाई प्रेशर से लिक्विफाई करते हैं और फिर उसको सिलेंडर्स में भर देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है रेजिड्यूअल ऑयल। और रेजिड्यूअल ऑयल जो पेट्रोलियम से जो रेजिड्यूअल ऑयल मिला उसके फिर से तीन अलग अलग, तीन ही होते हैं, तीन अलग अलग और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला बनता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये एक विस्कस ऑयल होता है, मतलब ये भी थोड़ा गाढ़ा सा तेल होता है जो ल्यूब्रिकेटिंग करने में यूज होता है, ल्यूब्रिकेटिंग मशीन्स। और ल्यूब्रिकेटिंग मशीन्स का मतलब है जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें डलता है ताकि उनमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पैराफिन वैक्स, PA RR फिर A फिर FFIN, पैराफिन वैक्स। इट इज अ वाइट सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड, एक सॉलिड नहीं कहेंगे, सेमी सॉलिड, एक वाइट सेमी सॉलिड होता है जो ग्रीस की तरह यूज होता है। ठीक है, ग्रीस की तरह यूज होता है। ग्रीस को हम कहाँ यूज करते हैं, ग्रीस इज यूज टू मेक वैसलीन, ये वैसलीन बनाने में यूज होता है। कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स होते हैं जो अलग अलग मेडिसिन होती है ना स्किन पे लगाने वाली, बाम जो होते हैं, पेन पेन रिलीफ बाम जो होते हैं वो उन्हें ऑइंटमेंट कहते हैं, उन सब में यूज होता है। इसके अलावा ग्रीस जो है वो एज अ प्रिवेंशन ऑफ फ्रिक्शन भी यूज होता है, जो इसका यूज था ना ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का, ग्रीस का ऑयल भी हम कभी कभी उसकी जगह पे कर सकते हैं, वो भी सेम काम करता है। उसके बाद आता है असफाल्ट। असफाल्ट एक ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड होता है, एक ब्लैक स्टिकी सॉलिड मतलब चिपचिपा सा, यूज फॉर मेकिंग रोड्स, जो कहाँ यूज होता है, रोड्स वगैरह बनाने में यूज होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं, उनके अंडर वाली अंडर साइड, जो उनके नीचे वाली जो साइड है उसमें भी कोटिंग के लिए यूज होता है ताकि वो रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके। ये क्या है, एसफॉल्ट क्या है, एक तरीके का ऑयल है। ठीक है, सॉलिड ऑयल है। तो वो ऑयल क्या करता है, वो ऑयल जब हम इसके ऊपर, एक मान लो ये एक पोल है तो इसके ऊपर एक तरफ ऐसे पतली सी लेयर चढ़ा दी ऑयल की, तो ये एयर को और वाटर को, मॉइस्चर को कॉन्टैक्ट में आने से रोकेगा। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा उसे, और जिस अगर वो उसे प्रिवेंट करेगा तो ये पोल उसकी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर की, और वो रस्टिंग से बच जाएगा। उसके बाद आता है पेट्रोलियम के बाद, हमने कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया, थर्ड फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस, एंड इट इज द लास्ट फॉसिल फ्यूल जो हमें पढ़ना है। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल फाउंड अबव पेट्रोलियम। कहाँ पाया जाता है ये पेट्रोलियम, जहाँ पाया जाता है उससे जस्ट ऊपर, पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर ही नेचुरल गैस पाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम को लाने से पहले हमें नेचुरल गैस को निकालना पड़ता है। और ये कहाँ ट्रैप होती है, मान लो जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, रफ डायग्राम, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये इम्पर्वियस रॉक्स, ये इम्पर्वियस रॉक्स, ये इम्पर्वियस रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे है वॉटर, यहाँ पे है पेट्रोलियम, और ये जो गैप बचा यहाँ है नेचुरल गैस। ठीक है, अगर आपने मेरे को सुन मतलब आपको सुनना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ये है अर्थ की लेयर, ये इम्पर्वियस रॉक्स वन, ये इम्पर्वियस रॉक्स टू, इम्पर्वियस रॉक्स के ऊपर आता है वाटर, वाटर के ऊपर आता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, इम्पर्वियस रॉक कैप, इसे हम इम्पर्वियस रॉक जो ऊपर होती है हम रॉक कैप कहते हैं, इसके और पेट्रोलियम लेयर के बीच में पाई जाती है। लेकिन नेचुरल गैस का हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे करते हैं, हाई प्रेशर में, मतलब पहले उसे कंप्रेस किया, हाई प्रेशर में ही उसे कंप्रेस किया जाता है और फिर उसे हाई प्रेशर के अंदर ही स्टोर करके रखा जाता है, और वो फिर बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है मतलब बेटर जरिया है गाड़ियों को चलाने का, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम क्रिएट होता है, इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन, इट इज अ कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल, मतलब ये कम जिसे कहते हैं ना पॉइजनस गैसेज, जो है ये एकदम ना मात्रा के अमाउंट में नेग्लिजिबल एकदम रिलीज करता है। गैस फील्ड्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बस आपको नाम याद करना है, गोदावरी कृष्णा बेसिन, एनआई लास्ट में, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा, इन तीन जगहों पे गैस फील्ड्स पाई जाती हैं इंडिया में। उसके बाद यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जिनको नहीं पता, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट विच अ फ्यूल प्रोड्यूसेस व्हेन 1 kg ऑफ इट इज 1 kg ऑफ इट इज बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन। एक थोड़ा हम कंबशन वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि भाई जब 1 kg फ्यूल प्योर ऑक्सीजन में बर्न होता है तो जितनी वो हीट एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी की वैल्यू को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो नेचुरल गैस की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और वो बर्न रेडिली, मतलब वो आपने देखा, मतलब जो वो सीएनजी होता है वो बहुत रैपिडली बर्न करता है, मतलब चिंगारी से भी वो पूरा जल जाता है। तो वो क्या होता है, वो फ्यूल की तरह यूज होता है होम्स में और इंडस्ट्रीज में, घरों में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में एज अ फ्यूल। उसके अलावा इट इज ऑल्सो बेटर ग्रीनर एंड क्लीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया गाड़ियों वगैरह में ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो बेस इंग्रेडिएंट टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने का जो पहले पहले स्टेप्स होते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग होती है उनकी, उसमें भी ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। लास्ट हमारा काफी जनरल सा टॉपिक था, मेरे को इसमें पता नहीं ज्यादा क्या बताना है। इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट थे वो ये आपको ये बताना चाहते थे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलने से काफी पॉल्यूशन होता है। तो उसके अलावा हम आजकल ज्यादा स्ट्रेस ले कर रहे हैं थोड़े क्लीनर फ्यूल्स को जलाने में, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में हमें कौन से उसका यूज करना चाहिए। तो अभी स्टेप वाइज चलते हैं, सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो आजकल हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम, और कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो एक तो ये जल्दी वो हो सकते हैं एग्जॉस्ट हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और ये मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। तो आजकल धीरे धीरे हम इनका यूज थोड़ा कम कर रहे हैं, सीएनजी एलपीजी और बायोमास का यूज थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बायोमास एक तरीके का फ्यूल होता है जो नेचुरल वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनता है, ये कंपैरेटिवली क्लीनर और बेटर फ्यूल्स हैं। इनमें से कोई सा भी जो फ्यूल है वो कोई रेजिड्यू लीव बिहाइंड नहीं करता, ना ही ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, थोड़े अमाउंट में रिलीज करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए प्लांट्स यूज कर लेते हैं, उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं करते। लेकिन हमारे पास इनसे भी ज्यादा, मतलब कभी ना कभी तो ये भी खत्म हो जाएंगे, एलपीजी सीएनजी ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दीज आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स, ये भी फॉसिल फ्यूल से ही तो बनते हैं एलपीजी सीएनजी। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी होती है जो सी की जो वेव्स होती है ना, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उनका यूज करना है एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी सन से मिल रही है। उसके अलावा अभी आपके बुक में काफी सारे दे रखे थे वेव एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जीज क्या हैं, ये सारी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होगी। मैंने आपको पहले बताया था विंड कभी रुकना बंद नहीं होगी, समुद्र की लहरें हमेशा चलती रहेंगी, सूरज की किरणें हमेशा पड़ती रहेंगी, तो इनका एनर्जी का यूज हमें स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन और ऐसे ऑल्टरनेट सोर्स हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी हार्मफुल, इसमें भी क्या है थोड़े थोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत रेजिड्यू तो बच रहा है अभी भी, ये तो एकदम क्लीन फ्यूल्स हैं, ठीक है, और इनके खत्म होने का भी कुछ वो नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। सो हमें इनको यूज में लाना चाहिए, ये हमें ये वाला टॉपिक हमें ये बता रहा था। तो इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।